अगर आप एक अच्छा ब्रोथ खाना चाहते हैं जो सऊदी स्टाइल का बना हो यानी अल्बेग स्टाइल का बना हुआ हो, वो प्रॉपर इंजेक्टेड रेसिपी के साथ आपको सर्व किया जाता हो, हैनन बन जो लाहौर में वन ऑफ दी बेस्ट ब्रोस्ट ऑप्शन है, ये लाहौर में दो दिन ऐसे फूड हैं जिनके लिए मैं गुजरात लाहौर सफ़र करता होता हूँ, जिनमें से एक ये हैनन बन है। इनके ये ब्रो ये इनके हाफ ब्रोस्ट की सर्विंग है जिसमें एक इनका लेग पीस है, थाई पीस है, चेस्ट का पीस है, विंग्स हैं, फ्राइज हैं, साथ में गार्लिक सॉस देते हैं। I was driving with the moped on the street, a nice bumpy on the ride. यार इसे कहते हैं अन्नी पड़ी हुई है, मेरे आर्डर में पता नहीं कितना टाइम है, ये अन्नी यहाँ सही पड़ी हुई है। यार ये चेक करें, एक तो इसके स्पाइस देखें कैसे अंदर तक इंजेक्टेड है। ये देखें, ये सबसे मज़े की चीज़ है, जिस पीस को आप खोलेंगे आपको अंदर तक स्पाइस उसके नज़र आते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर आगे अल्बेग से कंपैरिजन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना आइएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा ब्रोस्ट खाना चाहते हैं जो आपकी अल्बेग वाली जो क्रेविंग है उसको भी पूरा करे तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करें इसको। उसके बाद इनकी जो इंजेक्टेड रेसिपी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर दे आर द इनोवेटर्स ऑफ स्पाइसी ब्रोस्ट, सबसे पहले जो स्पाइसी इंजेक्टेड ब्रोस्ट है वो इन्होंने ही मुतारफ करवाया था, उसके बाद जितने भी आई हैं वो सब इनकी कॉपी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे थोड़ी सी आवाज़ हार भी करती हैं, मतलब जब मैंने खाना शुरू किया था तब रेट कम था, अब इस वक्त इसका रेट जो हाफ ब्रोस्ट है वो आपको 899 और 900 का वो टैक्स डाल के वो तकरीबन 1040 रुपये का बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो इनकी जो गार्लिक सॉस है, क्योंकि वो है इतनी मज़े की लेकिन वो जब आप एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है तो उसके भी 80 रुपये आपको देने पड़ते हैं। फिर इनका जो डाइनिंग का सिस्टम है, डाइनिंग में आपको वेट करना पड़ता है, मतलब डाइनिंग में ऐसा होता है कि आपने आगे ऑर्डर लगवाया या आपका नंबर नोट कर लेंगे, जैसे अंदर टेबल खाली होगा फिर आपको कॉल करके अंदर बुला लेंगे, इसमें तकरीबन आधा एक घंटा लग जाता है। लेकिन इसका बेहतरीन हाल ये है कि अगर आप गर्मियों के अंदर गाड़ी में बैठ के उसका एसी ऑन करके खाना अफोर्ड करते हैं तो टेक अवे लें, टेक अवे आपको 5 मिनट में मिल जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, सुकून से गाड़ी में बैठ कर खाएँ या जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर जाकर खाएं। फिर उसके बाद जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी वो इनके किचन का सेटअप था। इनके किचन में अगर आप एंटर होते हैं तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो आप कह सकें कि यार ये SOPs के मुताबिक नहीं है, मतलब प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली तौर पे ये चल रहे हैं, और एक ये रेसिपी बेस्ड जो है बिज़नेस है, ये ऐसा नहीं है कि भी आज नमक कम हो गया, कल तेज़ हो गया, आज लाइट हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि प्रॉपर इनके प्रेशर फ्राइड्स के ऊपर ये चिकन बनाते हैं अपना, आप जब फ्रायर में ये चिकन डालते हैं उसने प्रॉपर अपना टाइम पूरा करने के बाद ही उसको ओपन करना है। और फिर सबसे मज़े की चीज़ ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई हॉट केस रखा हुआ है, अंदर रेडी हो रहा है बाहर आपको सर्व हो रहा है, अंदर तैयार होता जा रहा है, तैयार होता जा रहा है, बाहर आपको सर्व होता जा रहा है, मतलब ऑर्डर टू कुक है ये, जैसे ही आपने ऑर्डर देना है अंदर फ्रेश बनना है आपको सर्व हो जाएगा, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। फिर आप इसका जब ब्रोस्ट खोलते हैं, जब इसका कोई भी चिकन पीस खोलते हैं तो आपको अंदर तक इनकी जो मैरिनेशन है, जो इनकी इंजेक्टेड रेसिपी है, वो आपको अंदर तक चिकन के ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आती है। अगर तो आप स्पाइस लवर हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर आप स्पाइस पसंद नहीं करते तो आप अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं। जो जोहो टाउन वाली ब्रांच है यहाँ पर आपको एक हॉल मिलता है जो कम्बाइन सीटिंग में है, जहाँ पर मतलब फैमिलीज भी बैठ रही हैं और अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो भी वहीं पर बैठ रहा है आके। इसके अलावा इनकी एक ब्रांच जो है वो रायवन रोड के ऊपर है। इनका इसका सबसे इजी तरीका है कि इनको गूगला लें आप, यानी गूगल कर लें और वहाँ पर पहुँच जाएँ। जोहो टाउन वाली ब्रांच का मैं एड्रेस आपको समझा देता हूँ, जो लोग तो लाहौर के हैं उन्हें बड़ा इजीली समझ लग जाएगा। जोहो टाउन खयाबान फिरदौसी के ऊपर शादेवाल चौक के करीब शौकत खानम हॉस्पिटल से पहले हैं। अगर आप शादेवाल चौक वाली साइड से आ रहे हैं तो शौकत खानम हॉस्पिटल से पहले आपको मिलेगी लेफ्ट साइड पर, और अगर आप UCP वाली साइड से या शौकत खानम वाली रोड वाली साइड से आ रहे हैं खयाबान फिरदौसी के ऊपर तो आपको राइट साइड में मिलेगी, आपको यू टर्न करना पड़ेगा। लाहौर के एक किनारे से यहाँ पर आना मुश्किल है, लेकिन गुजरांवाला से वहाँ जाना ईजी होगा। वो कैसे कि आप कला शाह उसे मोटर पर लेते हैं, मोटर पे उतरते हैं, मोटर पे उतरते ही आपको पहला तो एग्जिट मिलता है ये बकर मंडी वाला या जतीम खाने वाला, उसके बाद आपको जो एंड वाला एग्जिट मिलता है ठोकर वाला। आपने ठोकर वाला एग्जिट भी नहीं लेना, आपने उसी रोड पे रहते हुए मेन रोड के ऊपर रहते हुए आपने सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा आपको अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर उतरती है रोड, ये अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर आपको एक सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को भी आपने सीधा क्रॉस करना है। सीधा क्रॉस करते ही बिल्कुल जहाँ पर ये रोड एंड होता है वो आपको ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे मोड़ देगी, और ये खयाबान फिरदौसी रोड ही आ गई। फिर लेफ्ट साइड पे मुड़ते ही आपके सामने फ्लाईओवर आ जाएगा जिस पे लेफ्ट साइड पे आपको UCP नज़र आ रही होगी, और राइट साइड पे है आपके शौकत खानम। इस फ्लाईओवर के ऊपर से आपने क्रॉस करना है और आगे से यू टर्न लेके पहला यू टर्न लेंगे आपको लेफ्ट साइड पर आपको हैनन बन नज़र आ जाएगा। सो ये एक बड़ा ही ईजी अप्रोचेबल रोड था इनका। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं लाहौर से गुजरांवाला वापस पहुंच चुका हूँ, तो एक अच्छा फूड था आप तक पहुंचा दिया। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।